Good morning class, this is our pharmacology class in which today we will discuss about another antibiotic that is sulfonamide. Actually सल्फोनामाइड के ऊपर आपके क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसको अलग से भी करवा रही हूँ. हालांकि एंटीबायोटिक्स टॉपिक के अंदर हमने ये ड्रग कर ली थी पर फिर भी क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लें. तो देखिए हमने पढ़ा कि भाई एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंगाई किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको ये मिलते हैं और इनका यूज़ हम उन्हीं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को रोकने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए काम में लेते हैं पर वो होस्ट के टिश्यूज़ पर इफ़ेक्ट नहीं डालती है ड्रग्स. ये तो एंटीबायोटिक्स था. इन एंटीबायोटिक्स में एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं एंटी फंगल भी होते हैं. एंटीबैक्टीरियल ऑब्वियस है बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रोकते हैं जबकि एंटी फंगल वो सबस्टांसेस हैं जो कि फंगल पैथोजन को होस्ट में से एलिमिनेट कर देते हैं बिना होस्ट को टॉक्सिटी पहुँचाए या मिनिमम टॉक्सिटी पहुँचाए ये फंगाई को हटा देते हैं. अब इसी कैटेगरी में एंटीबैक्टीरियल के अंदर एक ड्रग आती है दैट इज़ फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर. क्योंकि हमने आपको याद है कि एंटीबायोटिक कैसे वर्क करती है तो भाई वो सेल वॉल को डैमेज कर रही है प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रही है. इसी तरह से एक पॉइंट था फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करना. फॉलिक एसिड एंजाइम्स जो हैं वो अमाइनो एसिड के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इसलिए बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इसी के अंदर ही हम कुछ ड्रग्स पढ़ते हैं जो इस फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इंटरफेयर करती है जैसे कि सल्फोनामाइड्स ट्राइमिथोप्रिम वगैरह. अब सल्फोनामाइड्स ट्राइमिथोप्रिम तो हमें डिटेल में नहीं पढ़नी थोड़ी बहुत हम पढ़ चुके हैं. सल्फोनामाइड्स हम पढ़ते हैं ये सबसे पहले इफेक्टिव कीमोथेरेपी के एजेंट्स हैं जो कि सिस्टमैटिकली बनाए गए थे मैन के अंदर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसको ठीक करने के लिए. सल्फोनामाइड्स को हम सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं. ये ड्रग्स के सेवरल ग्रुप्स के बेसिस पर ऐसा कहा गया था. ओरिजिनली एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स जो होते हैं सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जिनमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है. कुछ सल्फोनामाइड्स में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती तो इनको हम एंटी कन्वल्जेंट सल्फोनामाइड्स कहते हैं. कुछ तो एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जिनमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है और कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं रखते तो उनको अपन एंटी कन्वल्जेंट सल्फोनामाइड कहते हैं. सल्फोनामाइड्स का डेवलपमेंट जो है वो थेरेप्यूटिक रिवॉल्यूशन था मेडिसिन की हिस्ट्री में. सबसे पहले जर्मन केमिस्ट बेयर ने 1908 में इनको बनाया था. इसकी केमिस्ट्री क्या है इनमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है जैसा स्ट्रक्चर में बता रहे हैं. इनको अपन पैरा अमाइनो बेंजोइक सल्फोनामाइड कहते हैं. ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैं एसिडिक नेचर के होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनमें सल्फोनामाइड ग्रुप मौजूद ही हो पर इनमें सल्फर के फीचर्स पाए जा रहे होते हैं जो कि बेंजीन रिंग से जुड़े रहते हैं. मतलब सल्फर जो होता है इनकी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है. पैरा अमाइनो जो है वो एसेंशियल है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए. सल्फोनामाइड के अंदर ये होगा तभी इनमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दिखाई देगी अदरवाइज नहीं दिखेगी. सल्फोनामाइड प्रोंटोसिल से हमने डिराइव किया था ये इसकी प्रोडर्ग है. सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरली पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड यानी पाबा से मिलते जुलते होते हैं उनका एनालॉग है. ये बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देते हैं यानी पाबा के कॉम्पिटिटर हैं. ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं यानी बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकेंगे पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका यूज़ नहीं किया जाता. ये सल्फोनामाइड्स की स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं पाबा के साथ बताई गई है. फार्मेकोकाइनेटिक ओरली हम इसको दे सकते हैं या पर जीआईटी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है. ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के सीएसएफ प्लेसेंटा में भी जाती है और 20-90% ड्रग्स जो है वो प्रोटीन से बाउंड होती है. मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है एसिटाइलेशन प्रोसेस से. एक्सक्रीशन किडनी से होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा. क्लासिफिकेशन देखिए सल्फोनामाइड्स का
ये एजेंट्स एब्जॉर्ब रैपिडली एंड एक्सक्रीटेड रैपिडली, तेजी से ही एब्जॉर्ब होंगे, तेजी से ही रैपिडली ही ये निकलेंगे, तो उसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और एजेंट्स एब्जॉर्ब रैपिडली बट एक्सक्रीटेड स्लोली, तो उसमें भी लॉन्ग एक्टिंग और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग आते हैं। अब जो रैपिडली एब्जॉर्ब होकर रैपिडली एक्सक्रीट हो रहे हैं उसमें शॉर्ट एक्टिंग में सल्फोसिक्सोजोल, सल्फोमीथाइजोल, सल्फोसोमिडिन, सल्फोफेसाइटिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फोमीथोक्सिजोल और सल्फासोमाइजोल ड्रग्स आती हैं। जबकि तेजी से एब्जॉर्ब होकर धीरे एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं उसमें लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाडाइमिथोक्सिन, सल्फाफिनाजोल, सल्फामिथोक्सीडायाजिन और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में सल्फेलिन, सल्फाडॉक्सिन, सल्फासेलेजाइन नाम की ड्रग्स आती हैं। अब जो एजेंट्स पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं अगर हम ओरली दे रहे हैं तो उसमें सल्फागुआइनिडिन और सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल, टॉपिकली जिन सल्फोनामाइड को यूज़ करते हैं उनमें सल्फ एसिटामाइड और सल्फाफ्यूराजोल ड्रग्स आती हैं और मिसिलिनियस में सल्फापायरिडिन, सल्फाडिमिडिन। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फॉलिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये प्यूरिन का प्रिकर्सर होता है इसलिए डीएनए आरएनए का प्रिकर्सर माना जाता है। पाबा फॉलिक एसिड का प्रिकर्सर और सल्फोनामाइड जो है वो पाबा से स्ट्रक्चरली एकदम सिमिलर होता है। अब कुछ बैक्टीरिया अपने खुद के फॉलिक एसिड को पाबा से सिंथेसाइज करते हैं, इन बैक्टीरिया में सल्फोनामाइड पाबा के साथ में कॉम्पिटिशन करेगा एंजाइम फॉलिक एसिड की सिंथेटेज के लिए और पाबा को घुसने नहीं देता फॉलिक एसिड में, तो फॉलिक एसिड बनेगा नहीं क्योंकि खुद वहाँ पर जुड़ गया तो पाबा बेचारा जा नहीं पाएगा फॉलिक एसिड के अंदर, तो फॉलिक एसिड बन नहीं पाएगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड की कमी आ जाएगी और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, डाई हाइड्रोफोलेट डाई फॉस्फेट पाबा के साथ में जुड़ता है, डाई हाइड्रोफोलेट सिंथेटेज के द्वारा फिर डाई हाइड्रोप्टेरिक एसिड बनेगा, फिर डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड या डाई हाइड्रोफोलेट बनेगा, फोलेट रिडक्टेज से ये टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड ऑर्टेट रे हाइड्रोफोलेट बनेगा जिससे कि न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन और पायरिमिडिन्स बनेंगे, फाइनली डीएनए बनेगा और बैक्टीरिया इस तरह से ग्रोथ कर रहा होता है। तो यहाँ पे सल्फोनामाइड आ जाएगी, सल्फोनामाइड को अपन यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड अकेले नहीं करते हैं, मोस्टली कॉम्बिनेशन थेरेपी में ही ये प्रेफर किया जाता है, जैसे टाइफाइड पैराथाइफाइड फीवर के अंदर, एक्यूट क्रॉनिक यूटीआई, ट्रॉपिकल एप्लीकेशन अगर बर्न हुआ है या फिर मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस जो कि फंगाई की वजह से होता है उसमें सल्फाडायाजिन दी जाती है, बेसिल डिसेंट्री के अंदर, अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया में, स्किन के कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो या गट को स्टरलाइज करना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये कंडीशन बताई गई है स्किन वगैरह की। एडवर्स इफेक्ट में ये यूरिनरी सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, सल्फोनामाइड प्रेसिपिटेट कर देता है, हो जाता है एसिडिक यूरिन के अंदर क्रिस्टल बनाता है जो कि यूरिन के अंदर पास होंगे, जिसे रिनल इरिटेशन हो जाता है, क्रिस्टल यूरिया, स्पास्मोडिक पेन रहने लगे जिसको रिनल कॉलिक भी कहते हैं, हीमैट्यूरिया रहने लगता है, रिनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है, यानी रिनल के ट्यूबुल्स डेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, यूरिन कम पास होएगा और हो सकता है पास ही ना होता है, एलिगो यूरिया या एन यूरिया, या हो सकता है यूरिन में ब्लड निकले यानी हीमैट्यूरिया जैसी कंडीशन हो सकती है। वो तो था यूरिन के ऊपर क्या बुरे असर है, अब हीमोपोइटिक सिस्टम पर क्या बुरा प्रभाव डालता है, तो बोन मैरो को डिप्रेस कर देता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है इसकी वजह से, एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया भी देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाएगा, इओसिनोफिलिया, इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है, और ए ग्रैनुलोसाइट का नंबर बढ़ जाता है, GIT में भूखने लगेगी, नोसिया वॉमिटिंग होगा, डायरिया रहने लग जाएगा, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, स्किन कटने फटने झड़ने लग जाती है, मतलब उसकी पीलिंग होने लग जाती है, एनाफाइलैक्सिस सिंड्रोम हो सकता है जो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, फोटोसेंसिटिविटी लाइट से एलर्जी हो जाएगी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाएगी और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाता है, ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के फोटोग्राफ्स दिखाई गई हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन
एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। प्री मेच्योर इन्फेंट में भी ये नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा किसी में रिनल इम्पेयरमेंट चल रहा है, किडनी सही वर्क नहीं कर रही, या पानी की कमी है शरीर में, तो ये नहीं देनी चाहिए मेडिसिन। डोजेज एडल्ट 2 से 4 ग्राम फर्स्ट डोज दे सकते हैं, और बाद में 4-6 घंटे के हर 4-6 घंटे बाद 1 ग्राम मेडिसिन दे सकते हैं। जबकि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों में 2 मंथ के बच्चों के लिए डोज जो है वेट के बेसिस पर, बॉडी वेट के बेसिस पर, जैसे 34 mg पर पाउंड के हिसाब से देनी चाहिए। और 2 महीने तक हम इसको वैसे तो रिकमेंड ही नहीं करते हैं। ये इसके कमर्शियल ब्रांड नेम जिसके फॉर्म में ये आपको देखने को मिल सकती है। बस इसके साथ ही आपका सल्फोनामाइड नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।